गुमला जिला के ऊपर लोधा हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों का झुंड कोई ना कोई ग्रामीणों का घर तोड़ते हुए तथा राशन बर्बाद करते हुए दिख रहे हैं। वहीं से परेशान होकर ग्रामीणों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण रोड पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग अपने बच्चों को डर से कहीं और सुला रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बस आश्वासन दे रही है कि हाथी को जंगल भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाथियों का हमेशा से गरीब लोग ही निशाना बन रहे हैं। सुनिए प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने क्या कहा। छोटा छोटा बच्चा सबको दूसरा जगह सोना ले जा रहे हैं। दिन भर चैन ना, रात भर चैन नहीं, निंदा रहे तो क्या करेंगे। इसलिए आप लोग को खाना भी खा नहीं पा रहे हैं। आप लोग से मदद मांग रहे हैं कि आप लोग को कुछ कुछ सोचना है। तो कल कल करते करते तो कितना दिन होगा। रात भर में कितना घर बर्बाद कर रहे हैं। रात में ना इन लोग के साथ सहयोग कीजिए, उन लोग मारने का नहीं, डेली भूख रहा है। हाँ, डेली मान के लेकर पर अगर कुछ हो जाएगा हाथी तो आप लोग बवाल कर दीजिएगा, शरीर आप नहीं लौटा पाएंगे। ना ना सही बात, किसी तरह हम लोग सही हो जा रहे हैं लेकिन घर तो पूरा बर्बाद करके नजर है। आदमी मर जाएगा तो आदमी का जान नहीं लौटता है, बल्कि आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।